हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Guys. मैं हूं आपके साथ अरम काजमी और मैं हूं सबाशी। आज मंडे है 13 नवंबर और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें। चलें जनाब, आज के दिन का आगाज कुछ अच्छी खबरों से करते हैं क्योंकि वीक का पहला दिन है और मेरा मानना है कि अगर दिन या हफ्ते का आगाज अच्छी अच्छी खबरों से किया जाए तो आपका पूरा दिन ही ना सिर्फ खुशगवार गुजरता है बल्कि बहुत से मामलों में आपकी अप्रोच भी पॉजिटिव हो जाती है। पहले तो अच्छी खबर ये कि एक बार फिर खेल जमेगा, मैदान सजेंगे, खूब हल्ला होगा क्योंकि PSL फाइनल के लिए जो थर्ड एडिशन का आगाज है वो होने को है, जिसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के झुरमट में कल ड्राफ्टिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार PSL फाइनल कराची में कराने की कमिटमेंट भी कर ली गई है। तो तमाम लोगों के शिकवे कि आया सिर्फ लाहौर के स्टेडियम ही में क्रिकेट बहाल हो रही है, तो ये शिकवा बन करीब दूर होने को है। फिर दूसरी अच्छी खबर ये कि स्मोक की सताई आवाम की जान भी छूट जाएगी। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया है और बादल खुलकर जमने को बरसने को तैयार है, जिसके बाद बाकायदा मौसम सरमा का आगाज भी हो जाएगा और साथ साथ स्मोक से भी जान छूट जाएगी। और मजे की बात यह है कि पंजाब और बलूचिस्तान के साथ साथ कराची में भी आज रात से बारिश का इम्कान है, तो बरसात के मौसम की मुनासबत से मजे मजे की रेसिपीज आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जनाब, अगर दिन भर की कुछ सियासी सरगर्मियों के हवाले से आपको बताएं तो मंडे वैसे ही कोर्ट हियरिंग्स का दिन होता है, तो आज एक अहम केस की समाअत जिससे शायद शरीफ फैमिली की मुश्किल में मजीद इजाफा हो जाए वो है हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस के हवाले से, जिसकी समाअत आज होगी। और दूसरी अहम समाअत है मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की। इसके अलावा वीकेंड पर जो सियासी जोड़ तोड़ चलती रही इस पर हमारे सियासतदान क्या कहते हैं और तजिया क्या का क्या राय रखते हैं, ये सब भी जानेंगे गुड मॉर्निंग आज की फ्रेश एपिसोड। अच्छा अनम, स्मोक के हवाले से बात कर रही थी, तो जहां पंजाब में स्मोक छाई हुई है वहीं कराची की जो सियासत है उसमें भी बड़ी स्मोक है, बड़ा ही कोई बोछाल आया हुआ है इस वक्त। अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो PSP और MKM आमने सामने है। 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाला कराची ये सवाल पूछ रहा है कि इसके लिए इकदाम कब किए जाएंगे। इकदाम तो किए जा रहे हैं लेकिन सिर्फ 2018 के इंतखाबात के लिए, कि कौन बाजी मारेगा, कौन मैदान मारेगा। MKM पाकिस्तान कहती है कि कराची का मैंडेट उनका है, जबकि PSP कहती है कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, पुरानी सियासत को दफन कर देंगे। MKM माइनस हो चुकी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि MKM पाकिस्तान के पास तो अभी भी 100% मैंडेट है, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो बैठे सर जोड़कर बैठे? क्या कराची का कचरा उठाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा? क्या कराची से तमाम टूटी फूटी सड़कें बनाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा? नहीं, अभी सिर्फ सोचा जा रहा है। तो ये सोचा जा रहा है कि कराची का असल हकदार कौन है और इस जंग में साथ साथ अब शामिल हो गई एस्टेब्लिशमेंट, जिसके हवाले से कितनी बातें सुनाई दी गई, जिसके हवाले से मुस्तफा कमाल जो है उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ जी, हमें मिलवाया, हमें बिठाया, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से जो है वो दबाव था। तो इस तरह से सारी बातें ओवरऑल हुई। और दूसरी जाने मरियम नवाज का ट्वीट भी आ गया कि हर कोई नवाज शरीफ की तरह नहीं होता कि इदारों की पासदारी रखे और इस तरीके से नाम न ले, और साथ साथ उन्होंने ट्वीट किए और बीच में कूद पड़े बिलावल भुट्टो जरदारी भी, जिन्होंने कहा कि गैर जमहूरी अमल बिल्कुल नामंजूर है। और इस हवाले से मुस्तफा कमाल के बयान पर और MKM पाकिस्तान के बयान पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और साथ साथ इसकी तहकीकात भी की जाए कि इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं इनमें कितनी सदाकत है। तो जहां पर सदाकत की बात आती है तो वहां पर एक ये भी सच है कि परवेज मुशर्रफ, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो 23 रुकनी जो है 23 तंजीमों पर मुश्तमिल इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अब इसकी तरदीद भी कर दी गई है क्योंकि इसमें बात की जाए काफली के हवाले से तो वो मेन पार्टी थी और वो शामिल ही नहीं थी, और कहीं इत्तेहाद और आने वाला वो जलसा और उनके आने की उम्मीद भी कहीं दम सी तोड़ गई है। तो ये तो बातें हो गई ओवरऑल सियासत के हवाले से, और अब कुछ बात कर लेते हैं PTI की। PTI जो कि पहले से ही कह रही है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला खुल चुका है और अब शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे, तो डेफिनेटली PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने अभी केस की समाअत होने से पहले ही पेशगोई कर दी है कि पूरा का पूरा जो शरीफ खानदान है अब उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। तो आज एक अहम समाअत है और ये 17 साल पहले शरीफ खानदान के खिलाफ इस नैब ने कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था, जो
कि उसके बाद मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन एक दफ़ा फिर से हुदैबिया पेपर मिल्स जो है उसका मामला बाहर निकला है और आज उसकी समाज शुरू हो रही है। और अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ क्या करते हैं। सियासी हल्के और हमारे ज़राए तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस दफ़ा पूरी तरीके से तैयार है इसकी मज़ाहमत करने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ की पॉलिसी इदारों से टकराने की या इदारों से लड़ने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इस केस का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी शाहिद काकान अब्बासी वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, इससे पहले भी नवाज शरीफ सर जोड़कर बैठे और आज भी एक अहम इजलास मुतवक्के है। तो बोछाल है, स्मोग है, कराची की सियासत पे स्मोग है, ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत पे स्मोग है और ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी खारजा पॉलिसी में भी स्मोग है, क्योंकि एक जगह ईरान और भारत जहां पर अपनी पहली खेप पहुंचा देते हैं चाबहार पे, वहीं हमारे सिफारती ताल्लुकात भी मद्दम नजर आ रहे हैं। गो के ईरान से हमारा राहदारी गेट खुल गया है, गो के ईरान से हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर होने को है, लेकिन फिर भी हमारी खारजा पॉलिसी कुछ डगमग डोल रही है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ओवरऑल पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में सोच क्या रही है, लेकिन मरकज निगाह, मरकज महवर आजकल कराची की वो सियासत है जिसमें PSP और MQM पिछले 48 घंटों से या उससे भी पहले मरकज निगाह है। और इन तमाम मरकज निकाह के जो दूल्हा है वो है फारूक सत्तार, जो कि काउंटर भी करने को तैयार है। तो इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। के साथ एक अजीब सा खेल खेला जा रहा और ये जो सियासी पार्टी बने हैं वो अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं और कोई कराची के अवाम का नहीं सोच रहे। कराची की सियासत में आने वाले नए भौचाल ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। कराची के आवाम कठपुतलियों को अहमियत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का तबसरा अपने आप को एक गरोह तक महदूद नहीं कर सकता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान। MQM पाकिस्तान, लंदन और PSP एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। मंजूर वस्तान फिर बोल पड़े, पाकिस्तान का MQM का नाम बदनाम तरीन हो गया है। तो ये नाम जो महाजिर है इससे जान छुड़ाई जाए, महाजिर और MQM के नाम छुड़ाकर पाकिस्तानियत लाई जाए। करप्शन और नाकामियों के गर्दाब में फंसी नून लीग के लिए एक और मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट आज हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस की समाअत करेगा, 3 रुकनी बेंच की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद खोसा समाअत करेंगे। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। और PSL के तीसरे एडिशन की ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल। 66 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब, हर फ्रेंचाइज ने 11-11 खिलाड़ी मुंतखब कर लिए। टीमों का 20 रुकनी स्क्वाड भी मुकम्मल हो गया। और जनाब, क्योंकि आज एक अहम समात है जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे और वह हुदैबिया पेपर मिल्स, तो उसके लिए हम चलेंगे शहर इक्तदार और वहाँ पर जानेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं वो क्या ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज इस समात का आगाज़ होने जा रहा है, एक बड़ी समात है। तो वसीम वहाँ पर मौजूद हैं। जी वसीम, क्या हाल अहवाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है आज हुदैबिया पेपर मिल्स केस की जो समात है वो जस्टिस आसफ सईद खोसा खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस खोसा 5 रुकनी जो पानामा केस सुनने वाला बेंच है उस बेंच का भी हिस्सा रहे हैं और आज इस केस की समात जो है सीरियल 6 पर है और उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे तक इस केस की समात का आगाज़ होगा। अब देखना यह है, इसमें जो है हुदैबिया पेपर मिल्स जो केस है काफ़ी पुराना केस है, मुशर्रफ दौर में का ये केस है और बाद में जब शरीफ फैमिली वापस आई 2014 में, तो इसके और इस केस 2014 में इस फैमिली, ये शरीफ फैमिली जब वापस आई इस मुल्क में, तो हाई कोर्ट की जमे उन्होंने अपील दायर की जिसमें 2 जजेस के पास ये केस गया जिनका आपस में जो है मुतफिक ना हो सके, जिसके बाद तीसरे जो रेफरी जज थे उनके पास ये केस रेफर किया गया और रेफरी जज ने तमाम जो शरीफ फैमिली पर इल्जाम से उन इल्जाम से उनको बड़ी हुदैबिया केस इस वक्त चल रहा है और ओवरऑल जो तमाम सिचुएशन होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो हम तक पहुँचती ही रहेंगी। हुदैबिया पेपर मिल केस जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस वक्त गर्दाना जा रहा है और ये केस इस तरह का
है जिसके बारे में इमरान खान भी यही कह रहे थे कि इस केस को जल्द अज जल्द खोला जाए, साथ साथ उनका तो ये भी मुतालबा था कि मॉडल टाउन का जो केस है वो भी खोला जाए। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा काफी तंग होता जा रहा है और सिचुएशन ऐसी बनती चली जा रही है कि पहले हमने देखा नवाज शरीफ साहब इन केसेस से निमट रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि अब मरियम नवाज के ऊपर भी तौहीन अदालत के केसेस चलना शुरू हो गए और जो सब में से बचे हुए थे वो थे सिर्फ और सिर्फ हमारे शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर अब मेरा ख्याल है कि मजीद हालात तंग हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं, हमारे साथ वसीम लाइन पर मौजूद है। वसीम, ये बताएगा कि कब तक ये समाज शुरू होगी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, अगर समाज की बात करें, समाज जो है आज रूटीन में अगर केसेस की बात करें तो छठे नंबर पर ये केस है। जस्टिस कौसा के बेंच में जो जिन केसेस की समाअत होगी उनमें सबसे आखिरी ये केस लगाया गया है और तीन रुकनी जो बेंच है जिसमें जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और जस्टिस आसफ सईद खोसा खान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई थी। नैब की जानिब से पानामा केस में जब ये केस जब नैब की जानिब से जब प्रोसिक्यूटर पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया, पानामा फैसले में ये कहा गया कि जल्द से जल्द ये अपील दायर कर दे, लेकिन नैब की जानिब से अपील दायर नहीं की गई थी। जिसके बाद शेख रशीद अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की एप्लीकेशन सबमिट की गई। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद नैब की यकीन दहानी करवाई गई नैब ने कि हम जल्द से जल्द ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर देंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई और आज इस केस की समाअत होगी। तीन रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और इस जो है मद में नैब को जो नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। आज देखना यह है कि केस जो है कब किस वक्त जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और देखना यह है कि अब आज जस्टिस खोसा क्या फैसला करते हैं, आया कि वो इस बेंच का हिस्सा रहेंगे या फिर कह देंगे इस केस को सुनने से इनकार कर देंगे। ये भी कानूनी माहिरीन का कहना था कि ये भी मुमकिन है कि जस्टिस खोसा इस बेंच से अलहदा हो जाए और ये इस बुनियाद पर अलहदा हो जाए कि पांच रुकनी जो बेंच था वो उसका हिस्सा रहे हैं और ये कोई और बेंच केस सुने, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो इस बेंच से अलहदा हो और वही वो किस केस की समाअत कर सकते हैं। इस बारे में कोई कानूनी कोई शिक ऐसी मौजूद नहीं है कि वो इस जो इनको ये मना करेगा केस सुनने से इनकार कर दे। आज जो है तीन रुकनी बेंच इस केस से की समाअत करेगा। तीन रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा इसकी सरबराही कर रहे हैं जो कि पानामा बेंच का भी हिस्सा रहे हैं और उसको हेड रहे हैं और आज फिर दोबारा इस जो बेंच है तीन रुकनी उसको भी यही जस्टिस खोसा सईद आसिफ सईद खान खोसा जो हैं वो इस बेंच को भी हेड कर रहे हैं और अब सीरियल 6 पर ये केस लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे के बाद इस केस की समाअत होगी। जी वसीम, अभी 11:30 बजे के बाद इस केस की समाअत होगी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज की समाअत में क्या मेन अहम होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पेश की जाएगी या फिर कुछ अहम पेशियां भी आज के दिन मुतवक्के हैं? तो सब प्रोसिक्यूटर जो है नैब है, नैब के जो वकला हैं वो अदालत में पेश होंगे और इसमें अभी शरीफ फैमिली को नोटिस जारी नहीं हुए। अदालत सबसे पहले शरीफ फैमिली को नोटिस जारी करेगी और उनको बताएगी इस केस के हवाले से तमाम जो आगाह उनको किया जाएगा। उसके बाद शरीफ फैमिली की जानिब से जो है नोटिस जारी करके समाज जो है वो खत्म कर दी जाएगी। देखना यह है कि जो नोटिस जारी होते हैं कि शरीफ फैमिली की जानिब से मुख्तलिफ जो जवाब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद ही जब शरीफ फैमिली को नोटिस जारी हो जाएंगे तो उसके बाद ही ये बाकायदा समाज का आगाज होगा और आज जो है नैब के जो वकला है वो अदालत में पेश होंगे और नैब को वकला को इस जमन में जो है वो जारी किए जा चुके हैं और आज समाअत शरीफ फैमिली को नोटिस जारी किए और उसके बाद बाकायदा समाअत का आगाज होगा। अच्छा वसीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज अदालत की जानिब से नोटिसेस जारी किए जाएंगे और फिर उसके बाद नून लीग का अगला लाहे अमल सामने आएगा। क्या नोटिसेस में होता है ये तो कुछ कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन ये बताएं कि नून लीग की जानिब से कोई लीगल टीम वहाँ पर मौजूद है इन नोटिसेस को रिसीव करने के लिए, या उनकी कोई कानूनी टीम वहाँ पर मौजूद हो, या उनके हवाले से कोई शख्सियत ऐसी वहाँ पर मौजूद हो इस समाअत को सुनने के लिए आई हो? जी बिल्कुल भी नहीं, नून लीग का कोई भी जो है रुकन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही उनकी कानूनी जो टीम है उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है। अदालती जो कार्रवाई है वो कुछ इस तरह से होती है कि जिस भी फरीक को नोटिस जारी किए जाते हैं तो अदालत जो है वजरिया डाक या अदालती जो नुमाइंदा होता है वो नोटिस जो है वो डिलीवर करके आता है मुतलका शख्स को, क्योंकि ये बड़ा एक केस है, इसमें जो नोटिस है अदालती नुमाइंदा जब अदालत जब नोटिस जारी करेगी तो तमाम जो इसमें फरीक हैं तमाम जो लोग हैं उसमें उनको नोटिस जो है अदालत की जानिब से अदालती नुमाइंदा उनको उनकी तामील करवाएगा नोटिस की और उसके बाद जो है शरीफ फैमिली की जो लीगल टीम है, अब देखना यह है कि शरीफ फैमिली इसमें किसको लीगल टीम रखती है, लीगल जो टीम है कौन सा वकील इस केस के लिए हायर करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता तमाम जो केसेस थे उनमें जो सीनियर जो वकला थे वो इस केस का उनके मुख्तलिफ जो केस थे उनमें शरीफ फैमिली की नुमाइंदगी करते रहे हैं और आज अगर नोटिस जारी होते हैं तो इस जिम्मे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन शरीफ फैमिली की जानिब से कानूनी टीम कौन सी वो मुंतखब करते हैं और कौन सा सीनियर वकील जो है उनकी नुमाइंदगी
नुमाइंदगी के लिए अदालत में पेश होगा और नोटिस जारी होने के बाद की समाअत का आगाज होगा और बाकायदा समाअत नेक्स्ट जो डेट ऑफ हेयरिंग होगी तब बाकायदा समाअत होगी जब शरीफ फैमिली के वकला भी पेश होंगे। शरीफ फैमिली को जो आज अभी बात करें शरीफ फैमिली के हवाले से नून लीग के हवाले से तो कोई भी जो रुकन है उनकी पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कानूनी टीम के भी कोई भी रुकन यहाँ पर मौजूद नहीं है और आज अगर नोटिस जारी हो जाते हैं तो उसके बाद ही अगला लाइहा अमल सामने आएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा वसीम। इस हवाले से अपने नाज़रीन को भी हम अपडेट करते चलें कि हुदैबिया रेफरेंस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जो है वो तीन रुकनी बेंच हम देखेंगे कि आज इस केस की समाअत करेगा और ओवरऑल जो भी तमाम तो सिचुएशन बनेगी, जो भी अपडेट इस हवाले से आएंगी उससे भी आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे। अभी तक की इत्तला के मुताबिक 11:30 बजे के बाद जो है वो इस केस की समाअत शुरू होगी। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, वसीम आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी अब कुछ बात कर लेते हैं आगे और बढ़ते हैं लाहौर में जहाँ पर स्मोक का राज है। गुज़िश्ता दिनों शुरू होने वाली कराची की सियासत की अब अगली किस्त कब आएगी इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन हम बढ़ रहे हैं हुमा भट्ट की जानिब। तो हुमा भट्ट बताइए क्या हाल अहवाल है, मौसम कैसा है? सुना है कि स्मोक के बादल कुछ छटने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही सुना है और सुना तो ये भी है कि वैसे तो जो मौसम के बारे में बात करूं तो मौसम हमेशा दिल का ही होता है। दिल का मौसम अच्छा हो तो आपको इर्द गिर्द सब कुछ ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर दिल उदास हो तो फिर सामने जो मर्जी आ जाए आपको कभी खुशी नहीं महसूस होती है। लेकिन अगर हम जिक्र करें लाहौर के मौसम का और पूरे पंजाब के मौसम का तो पंजाब में सर्दी का राज है और धुंध जो है और धुंध और साथ में स्मोक जो है वो बिल्कुल दिखाई देती है और स्पेशली सुबह 5 से लेकर 7 बजे के दौरान तो स्मोक और धुंध जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर नहीं निकला जा सकता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी मुअत्तल हो जाते हैं और मोटरवे जो है वो भी बंद की जाती है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल हो जाती है। बहुत सी जो परवाजें जाती हैं वो क्योंकि उनका शेड्यूल मुतासर हो रहा है तो उसकी वजह से जो लोग बाहर जाने वाले हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर अगर देखें मौसम की जो तब्दीली है और स्मोक की वजह से हम लोगों ने देखा कि वज़ीर तालीम की तरफ से जो स्कूल्स की टाइमिंग है वो भी चेंज कर दी गई है और इसकी वजह से अब 9 बजे के करीब जो बच्चे हैं बड़े आराम से स्कूल जाते हैं। इस टाइम भी धुंध है, स्मोग है, लेकिन वो जो शिद्दत है वो इस वक्त थोड़ी सी कम हो चुकी हुई है, लेकिन शिद्दत और जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बताया गया था उसमें ये शिद्दत में कभी कमी आएगी और कभी ये बढ़ेगी और इस वजह से अब अगर हम बात करें मौसमियात के हवाले से जी तो महकमा मौसमियात ने आज के दिन से बारिशों का इंदिया दिया हुआ है और वो भी जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर फॉग तो हमें नज़र आ रही है और स्मोग भी है डेफिनेटली, लेकिन इस स्मोक से हमारी आवाम की जान छुटे को है क्योंकि आगे बारिशों का आगाज़ हो रहा है। इस हवाले से आप हमें अपडेट करी थी, हम आपका बहुत शुक्रिया और वाकई में जैसे ही यहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो तौर पर ठंड बढ़ जाएगी, इस मौसम में सरमा का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ कराची के मौसम की भी बात कर लेते हैं। कराची का मौसम यानी कि सियासी मौसम, क्योंकि ओवरऑल आजकल यही चीज़ें जो है वो इन फोकस है। कराची में हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब आगे कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है, क्या क्या अपडेट्स है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हैं आज के दिन। जी अपडेट कीजिएगा एहसन। जी बिल्कुल, अभी तो जो है वो सिलसिला एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का थम गया है, लेकिन पीएसपी की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जो है वो शहर भर के दौरों पे हैं। कल से मेंबर साजी की मुहिम जारी है, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल भी जो है वो सेंट्रल और वेस्ट जोन का मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं ने दौरा किया। जो मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाए गए थे मेंबर साजी के लिए वहाँ गए और वहाँ पर जाके कारकुनान से खिताब किया, इलाके का जायज़ा लिया, मेयर के खिलाफ जो है वो कुछ बातें कहीं, कचरा देख के गंदा पानी देख के सहूलियात ना होने के बाइस, और वोट का पूछा कारकुनान से इलाका मकीन से कि इस बार वोट किसको देंगे जबकि इलाके में आपको किसी किस्म की कोई सहूलियात मुहैया नहीं की गई है। आज का जो दौरा है वो साउथ जोन का दौरा है, मुस्तफ़ा कमाल जो है साउथ जोन में लगाए गए जो कैंप्स हैं पीएसपी के वहाँ का दौरा करेंगे और मेंबर साजी के हवाले से आवाम से मिलेंगे। जी ठीक है एहसन अब्बासी, अपडेट करते हैं आपका बहुत शुक्रिया। मेंबर साजी से कल भी जब मैं गुजरी थी तो क्लिफ्टन की साइड पर कैंप्स तो लगे हुए थे और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन ये भी हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली कराची की जो आवाम है, कराची के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनका असल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हमारे कुछ एपिसोड्स ऐसे आएंगे जो बड़े स्पेशल होंगे कराची के हवाले से, तो यहाँ आपको अपडेट करते रहेंगे और चीज़ें भी शामिल करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम
बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और हमारे पास हैं अखबारात और इनमें आज क्या शह सुर्खियां हैं ये आपको बताते हैं। तो जंग की जो मेन लीड है, जंग की मेन लीड है हुदैबिया केस के हवाले से कि आज शरीफ फैमिली चैलेंज करेगी हुदैबिया केस। और खेल खेला जा रहा है, इमरान को कराची में लिफ्ट नहीं मिलेगी ऐसा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो बड़ी अहम पैरेलल मेन लीड्स हैं, एक तो हुदैबिया केस के हवाले से है जो कि 17 साल पहले नैब ने रेफरेंस दायर किया था और उसके बाद ये केस आज खुला है। तो कहा यही जा रहा है कि नून लीग जो है वो अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, लेकिन एक तरफ से नून लीग भी ये कहती है कि हुदैबिया केस के मामले में जो है वो डट कर सामने आएगी, लीगल टीम बनाएगी और इसके मामले के ऊपर पूरी जिराक सामना करेगी इस केस का भी। तो लेट्स सी, कुछ कहना कबल वक्त है इस केस के हवाले से कि क्या होगा। आज की समाअत के बाद पता चलेगा कि फरीकैन को नोटिसेस जारी किए जाएंगे, उसके बाद फिर उन नोटिसेस में क्या है, कब पेशी है और क्या चार्जेस हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज सामने आएंगी 11:30 बजे के बाद। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से है, जिन्होंने अपने तहफ़ात का इजहार किया है MQM और पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से कि दोनों पार्टीज जो भी कर रही हैं इसके हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा इस तरीके से कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो यही कहते हैं कि ये जमातें मिलकर जितने भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद बना लें लेकिन पीपल्स पार्टी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जबकि कमर जमान कायरा जो है वो भी ये कह चुके हैं कि जी 21 रुकनी इत्तेहाद हो रहा है लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इन एक्शन है, उधर से PTI भी इन एक्शन है और यहाँ से MQM और PSP ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा के रखा हुआ है। सर जनाब, सेम यही दो खबरें हुदैबिया रेफरेंस के हवाले से और बिलावल भुट्टो के बयान के हवाले से पर लगाई गई है, जो कि एक हेडलाइन है और दूसरी मेन यहाँ पर लीड है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हम शुरू में शामिल करते हैं जिसमें हम इमरान खान के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान की कुछ अहम तकरीबात में शिरकत आजकल हो रही है, जैसे जलूस किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, कहीं पर तकरीबों में शिरकत कर रहे हैं। तो इन तमाम तर सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि इमरान खान बड़े ही फोकस नज़र आ रहे हैं आगे इंतखाबात के ऊपर, उनकी नज़रें और जो तमाम तर मुतालबे किए जा रहे हैं किसी अर्ली इलेक्शंस किए जाए उस पर, बाकी पार्टीज़ के तहफ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान अपनी बात पर डटे हुए हैं। कल हमने देखा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा उनकी जानिब से बयान आया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि अगर आप गधे के ऊपर लकीरें लगा दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता, तमाम तर सूरत हाल लोगों के सामने है और लोग जान चुके हैं कि अब हकीकत क्या है। यहाँ पर उनका जो बयान लगाया गया है वो जरूर पढ़ के सुनाऊंगी कि शरीफों की बादशाहत का दर्दन तख्ता होने वाला है, अगली जो इंतखाबात है उसमें PTI इलेक्शन ज़रूर जीतेगी और उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो काउंटडाउन तो कब का शुरू हो चुका है, जब से पनामा केसेस आए थे और उसके बाद ये समातों का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा कि तभी से ये काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन ये काउंटडाउन जब ख़त्म होगा तो जीत किसकी होगी ये तो डेफिनेटली हमें वक्त ही बताएगा। इसके अलावा कुछ मजीद अगर आपको बताएं कि आज के दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, तो आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी एक अहम अजलास लाहौर में मुतवक्के है और उनकी जो क़यादत है वो बैठेगी और बहुत से अहम फैसले मुल्क की सियासत और ओवरऑल जो केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं उस हवाले से फैसले किए जाएंगे। दूसरी जाने मुश्तरका मुफदात कौंसिल का अजलास आज होने जा रहा है जो कि वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत होगा और पीपल्स पार्टी के बहुत इंतज़ार करने के ऊपर जो है वो ये मुश्तरका मुफदात का कौंसिल किया जा रहा है, जिसके अंदर आगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से बातचीत होगी, हल्का बंदियों के हवाले से बातचीत होगी, मर्दमशुमारी के हवाले से बातचीत होगी, क्योंकि बहुत से तहफ़ुज़ात हैं लोगों को इस मर्दमशुमारी के ऊपर भी, फिर भी बहुत सी जमातें यही कहती हैं कि इससे पहले वाले अगर मर्दमशुमारी है उसके ऊपर आप चाहें तो इंतखाबात कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि इंतखाबात जो है वो ताखीर हो उनमें, बल्कि कुछ पार्टीज़ तो ऐसी हैं जो प्री इलेक्शन की भी बातें कर रही हैं। एनी वे, इसके अलावा जनाब एक और यहाँ पर अहम खबर यहाँ पर लगाई गई है अमरीका के हवाले से, और आपको बताएं कि अमरीका में सिखों की एक अहम तकरीब हुई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले सिख पाकिस्तान में भी मौजूद थे लेकिन जब सिखों की वहाँ पर तकरीब हुई तो उन्होंने भारत मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, जो कि इंतहाई ताज्जुब की बात है कि भारत में रहने वाली यही कौम जब अमेरिका में होती है और अमेरिका में वहाँ पर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाती है। तो ओवरऑल इससे पता चलता है कि किस हद तक शिद्दत पसंदी है और ऐसे सिखों का भी वहाँ पर रहना कितना महाल किया हुआ है। सिखों का ही नहीं, वहाँ पर जूनागढ़ के लोग और हैदराबाद में भी कई लोग भारत मुखालिफ नारे लगाते हैं। तो भारत अगर अपने ऊपर पूरा ओवरऑल नज़र रखे तो उसके अपने मुल्क में ही लोग नहीं चाहते कि भारत जो है वो ओन करे। खैर, आगे बढ़ते हैं और हुदैबिया केस का मामला है, तो हुदैबिया केस के मामले पर इस वक्त हमें जो है वो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर, आज एक अहम केस की समाअत हो रही है, 17 साल पुराना केस एक दफा फिर से रीओपन होने जा रहा है, क्या लगता है आपको, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? बात यह जी के इस केस को खत्म किया था हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये मामला आया था, हाई कोर्ट ने उन्होंने इसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो उन्होंने काफी डांट डपट की चेयरमैन नैब को। चेयरमैन नैब
उसका उसमें कोई कसूर नहीं था, और अगर उन्होंने अपील नहीं फाइल की थी, क्योंकि अपीलों का जो हाल होता है कोर्ट्स में इस तरह के केसेस में यूजली, और प्लस ये वो अपील नहीं थी जो कि रेगुलेट होती थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस से, तो जजेस ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ये अपील फाइल करें क्योंकि उनके नज़दीक ये एक स्ट्रॉन्ग केस है। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कि अपील फाइल कराता है, तो फिर तो उसका जो डिसीजन है वो फोरगॉन कंक्लूजन है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों ने स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं किया। अच्छा। उसका नतीजा ये निकला कि आज ये दोबारा उनसे नैब से जबरदस्ती एक अपील फाइल कराई गई है, और अब खुद ही उसको मुंसिफ भी अब सुप्रीम कोर्ट बन गया है। तो ये जो कुछ भी हुआ यहाँ तक जो मामला पहुंचा है, उसकी वजह जो है सरियन उसकी जिम्मेवारी जो अदलिया पे मैं समझता हूँ कि आती है। सही। अच्छा ये बताएगा इरफान साहब कि अब ये केस दोबारा से खुल रहा है और इतना पुराना ही केस है जिसको अब दोबारा रीओपन किया जा रहा है, इसके साथ साथ ऑलरेडी बहुत से केसेस जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा, इस पर मजीद भी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। से भी दर्शन की वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और इस वक्त बात हो रही है उदयबिया रेफरेंस केस के हवाले से, और जो ही ये समाज शुरू होगी इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त हमने देखा कि माजरत कर ली गई है जस्टिस आसिफ सईद खोज से इस केस की समाअत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है राना सना साहब। राना सनाउल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये केस जो है वो इंतहाई अहम केस है, 17 साल के बाद इस केस को दोबारा खोला गया है, क्या समझते हैं इस केस के दोबारा खुलने से, क्या शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा? नहीं, इस केस के जो फैक्ट्स और मेरिट्स हैं जी, उसके हिसाब से तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि शरीफ फैमिली को इसमें कोई जो है वो परेशानी आ सकती है, या उनके गिर्द जिस तरह से कहा जा रहा है कि घेरा तंग किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक डेड केस है और विदाउट एविडेंस है, यानी सिर्फ एक ऐसा बयान जिसको बुनियाद बनाया गया जी साहब का, उन्होंने दौरान हरासत जी और उस बयान के अलावा इस केस की ना कुछ नहीं, सिर्फ एक इंतकामी निकाल जी। बिल्कुल राना सनाउल्ला साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, तो बिल्कुल जैसे ही आपसे रابطہ होगा बिल्कुल कंटिन्यूसली तो हम आपको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको बताएं कि राना सनाउल्ला साहब मुस्लिम लीग नुमा है, उनसे हम बात कर रहे थे आज के होने वाली समाअत के हवाले से जो कि मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो है वो सुनने से उसको इनकार कर दिया है, गैर मुइना मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। उनका यही कहना था राना सनाउल्ला के विदाउट फैक्ट्स फाइंडिंग के जो है ये केस रीओपन किया गया है, और इससे शरीफ फैमिली को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, उनके गिर्द बिल्कुल भी घेरा तंग नहीं किया जा रहा है। जबकि अगर ज़राए की बात की जाए या शरीफ फैमिली के हवाले से बात की जाए, तो जैसे ही इस समाअत के बारे में पता चला, जैसे ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस के बारे में पता चला कि ये रीओपन होने जा रहा है और इसकी बाकायदा तौर पर आज समाअत होगी, इसको रीओपन करके फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे, तो उससे पहले ही मुशावरत तो जारी है, इजलास भी हो रहे हैं, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वह सर जोड़कर बैठी है, और यही ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस दफ़ा बिल्कुल कोई मज़ाहमत की सियासत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस केस को फेस करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा इस केस के हवाले से जरा भी की जाएगी, उनकी लीगल टीम भी बैठेगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पनामा केस से लेकर अब तक की समातों की, तो ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में पीटीआई के जो इमरान खान चेयरमैन इमरान खान है वो ये कहते आ रहे थे कि जी जब हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला खुलेगा तो पूरा का पूरा जो शरीफ खानदान है वही जद में आएगा, और फिर क्यादत कौन संभालेगा। इस केस की वजह से जो है कई सवाल, कई कॉन्स्परेसीज पैदा होती हैं कि अगर वाकई इस केस में कोई फैक्ट फाइंडिंग है, वाकई इस केस में इतनी जान है जो कि रीओपन होने जा रहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, तो अगर जान है तो वाकई शरीफ फैमिली के लिए फिर मुश्किलात भी हैं। बिल्कुल जनाब, अभी हमने देखा राना सनाउल्ला साहब ये कह रहे थे कि इस केस के कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 17 साल के बाद जब इस दोबारा केस को खोला जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि अभी तक जिसके बारे में तफ्तीश करना जरूरी है, और ये वो ऐसा केस है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये केस खुल गया तो इसके बाद शहबाज शरीफ की भी पकड़ शुरू हो जाएगी। जैसे कि आगे इंतखाबात आ रहे हैं, नवाज शरीफ तो वैसे ही नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो तमाम केस खुलेगा उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब
साहब भी फंस जाएंगे तो फिर हालात काफी मुख्तलिफ हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नईमुल हक साहब, पीटीआई के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। नईमुल हक साहब, हुदैबिया रेफरेंस केस एक बार फिर से खुल रहा है, आज तो फिलहाल उसकी समाज जो है वो गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन क्या समझते हैं अगर ये केस खुलता है तो मजीद क्या सिचुएशन बनेगी? आप लोगों का तो मुतालबा यही था कि मॉडल टाउन केस और हुदैबिया केस जो है वो दोनों को एक साथ खोला जाए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये केस की एक मौखर किया गया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जस्टिस खोसा जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल जज हैं, उन्होंने एक बिल्कुल सही फैसला किया कि मैं ये केस इसलिए नहीं सुनूंगा कि मैं इस बारे में अपना जो पानामा केस का जो फैसला था जी उसमें फैसला दे चुका हूँ और अपनी राय दे चुका हूँ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही मुदब्बराना फैसला था और ये बड़ा सही फैसला था, क्योंकि मुझे ये भी इत्तला है कि नवाज शरीफ के वकील की जानिब से उनकी इस बेंच में मौजूदगी पर एतराज भी किया जाना था। हुदैबिया केस एक बहुत ही अहम केस है जी। और इसका फैसला होना अभी बाकी है। नवाज शरीफ ने पिछली दफा अपने ताल्लुकात को गलत तरीके से हद मामूल। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो बात हो रही है आज होने वाली आम समाज के हवाले से, जो गैर मुयना मुद्दत तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है और जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं उन्होंने समाज को सुनने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक साहब मौजूद हैं। नईमुल हक साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि शायद रजिस्ट्रार ने मेरे फैसले को जो है वो सही से पढ़ा नहीं है। पनामा केस के हवाले से जो उन्होंने फैसला दिया था उसमें हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी बात की थी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये जस्टिस खोसा ने बिल्कुल सही और एक मुदब्बराना फैसला किया है, क्योंकि जब वो एक केस के बारे में या एक इल्ज़ाम के बारे में अपनी राय पहले दे चुके हैं तो कानून भी ये कहता है और जो कानूनी रिवायत है जी। वो भी ये कहती है कि एक जज को दोबारा उस केस में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले को बड़े बड़े कदर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का भी इल्म हुआ है कि नवाज शरीफ के वकला उनकी इस बेंच में मौजूदगी पर एतराज करने वाले थे कि वो जो पानामा में जो उन्होंने फैसला दिया है उसके बाद उनका इस बेंच पे होना मुनासिब नहीं है। हुदैबिया केस जो है ये एक बहुत ही अहम केस है और इसका एक आखिरी बाब जो है वो उसके लिए पूरी कौम अभी इंतजार कर रही है और मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक और बेंच फौरी तौर पर तशकील देंगे और हुदैबिया केस बहुत जल्द उसकी कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी। अच्छा नईमुल हक साहब, आप इस केस को इंतहाई अहम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका आखिरी बाब अभी खुलना है और उसके बाद मजीद जो है वो सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो रही थी राना सनाउल्ला साहब से और वो तो कह रहे हैं कि जी जिस तरह पहले केस बंद हुआ था इसी तरह इस बार भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है और एक बार फिर से इसको बिला वजह केस दोबारा खोल लिया गया। अगर एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है तो उसके सुनने दें केस, तो फिर वो एतराज क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो खुश होना चाहिए। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है नून लीग के खिलाफ। नहीं, इसमें कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं समझता हूँ कि ये कानून का तकाजा है, ये इंसाफ का तकाजा है, ये पूरी कौम का मुतालबा है। ठीक, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आसिफ जरदारी के खिलाफ जिन केसेस को इसी तरीके से खत्म किया गया उनको भी दोबारा खोलने की जरूरत है। खासतौर पर वो $60 मिलियन का एक केस था उनका और उसके साथ जो उन्होंने जो कमीशन दिए थे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनी से अपने दौर इख्तदार में, यानी उनकी जब बेनज़ीर साहिबा वजीर आजम थी, उन केसेस का भी को भी किसी तरीके से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके उनको बंद करवाया गया। आसिफ जरदारी ने भी अभी अपना पूरा हिसाब देना है कौम को और जिस तरीके से उनके जो केसेस बंद हुए हैं, नवाज शरीफ ने भी उसी तरीके से अपने केस बंद करवाए अपने दौर इख्तदार में। यही वो एक भयानक रिवायत है, मैं समझता हूँ, जिसने पाकिस्तान में ठीक है आपका मौका है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी केसेस हैं वो दोबारा रीओपन होने चाहिए और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी। सारे नहीं, चंद केसेस जो जरदारी आसदारी के खिलाफ जो बड़े बड़े कमीशन हैं। चंद केसेस कौन कौन से सर मेनली? जो खासतौर पर जो सबसे बड़ा केस उनका यही था जो आखिरी काफी देर तक चलता रहा, जिसमें उन्होंने एक बैन अल-अक़वामी कंपनी से कोटेकना से जो उन्होंने पैसे लिए थे, एसडीएस और कोटेकना का जो केस था, एक फ्रेंच कंपनी है एसडीएफ सोफियट जनरल रिसर्वेलेंस,
जिसको इन्होंने पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उससे बहुत बड़ा कमीशन लिया था। ठीक, उसका आखिरी बाब अभी तक खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, कौम को हकीकत जानने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नईमुल हक साहब, अभी हमने देखा कि नवाज शरीफ को तो अनाहल कर दिया गया है, हुदैबिया केस जब खुलेगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि जी इसके साथ शरीफ फैमिली के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी नाहल हो जाएंगे? कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है इस केस के बाद? बिल्कुल हो जाएंगे और होना भी चाहिए। हुदैबिया के जो हकायक हैं उसमें शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुलविस हैं। इसमें पाकिस्तान से जिस तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इसकी शवाहदात मौजूद हैं, इसकी दस्तावेजात मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक और शुबा होना ही नहीं चाहिए कि शहबाज शरीफ पूरी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करने में मुलविस थे। और मैं समझता हूँ कि उन पर भी इसका इतलाफ होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ की रोशनी में शहबाज शरीफ भी नाहल करार दे दिए जाएंगे। अच्छा सर, एक तरफ देखा जाए तो इसहाक डार साहब के हवाले से भी ये कहा जाता है कि इस दफा अगर वो पेश नहीं हुए तो उनके जो काबिले जमानत वारंट है वो तो बरकरार ही रहेंगे, साथ साथ उनके मचलके भी जब्त हो जाएंगे। दूसरी जानब हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला भी खुल रहा है, अगर दोबारा से बेंच तश्कील देते हैं और ये रीओपन हो जाता है केस और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल बढ़ जाती हैं, तो नून लीग की तो पूरी क्यादत जो है वो तो उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वो तो ना अहली की सूरत हाल की तरफ जा रही है, तो क्या देख रहे हैं फिर नून लीग को आप, किस जगह देख रहे हैं 18 में नून लीग? देखिए, खाकान अब्बासी जो इस वक्त एक कट्टे आजम हैं, अच्छा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर एक तमाचा मारा है वजीर खजाना इसहाक डार को ना हटाकर। अच्छा। वजीर खजाना इसहाक डार एक उन पर उनके वारंट निकल चुके हैं गिरफ्तारी के, और वजीर आजम पाकिस्तान उनको तहफ्फुज़ दे रहे हैं अपने हल की खिलाफ वर्जी करते हुए, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए। सर उनका कहना है कि बीमार है। मैं समझता हूँ कि खाकान अब्बासी को भी ना अहल करार दे देना चाहिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका अब से खुद नोटिस दे, क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को पाकिस्तान का वजीर खजाना अभी तक बना रखा है, और एक और ना अहल वजीर जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं अभी तक उनके अहकाम पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएगा नईमुल हक साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं इसहाक डार तो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो फिर किस तरह से इन केसेस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? हम तो चाह रहे थे कि इंतखाबात से पहले पहले तक जो है बहुत से डिसीजन सामने आ जाएं, और ताकि पता हो लोगों को भी, आवाम को भी पता हो कि हमने किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना। देखिए, अगर कोई शख्स हाजिर नहीं होता है, मैं समझता हूँ उनकी गैर मौजूदगी में इंसाफ की राह में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, और अदालतों को चाहिए कि अगर वो शख्स नहीं भी आता है, कम से कम इंसाफ के लिए, इंसाफ को का झंडा बुलंद रखने के लिए। थे कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला मामला है, आज इसकी समाअत हो रही है, केस रीओपन होने जा रहा है, तो अचानक से हमने देखा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं उनके रिमार्क्स ये आए कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद सही से पढ़ा नहीं इस केस के बारे में, तो मैं पनामा केस के सिलसिले में ही जो है वो बता चुका हूँ, इस पर क्या कहेंगे आप? जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा आवाज थोड़ा ऊंची। अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आप आ रही है, आप फिर से पूछिए। जी जी बिल्कुल, हुदैबिया पेपर मिल्स के मामले के ऊपर आपसे बात कर रहे थे कि अभी कुछ देर पहले, एक घंटे पहले यही हो रहा था कि ये केस रीओपन होने जा रहा है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन जो खबर सामने आई है उसमें ये खबर सामने आई कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो है सुनने से इनकार कर दिया है और ये गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है, तो इस पर अब आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी आपसे यही कहा था कि ये केस अदलिया ने खत्म किया, ठीक, अदलिया ने इसको जिंदा किया, अदलिया के रिमार्क की वजह से ये केस आ जाया, और आज जज साहब ने खुद ही कह दिया कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा, तो अब उसकी क्या वजह क्या बताते हैं, वो उस ऑर्डर में क्या लिखते हैं, जब तक वो ऑर्डर सामने ना आ जाए आज का, मजीद तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो मेरी बात दुरुस्त साबित हुई कि इस केस में जितनी भी तखीर आज तक हुई है वो आला अदलिया की वजह से हुई है, और यही चीज मैंने पहले भी कही थी, यही चीज मैं आप भी कह रहा हूँ। अच्छा कादिर साहब, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ऑलरेडी अभी बहुत ताखीर हो चुकी है इस केस के फैसले के लिए, अब मजीद इस तरह की अगर समातें मुलतवी होती गई, ये केस कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, और हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ये केस बंद भी हो जाए? जी ये केस मुझे लग रहा है कि ये बस इसी तरह से ताखीर इसमें होती चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि आज ये कहना कि एक डिस्कनेक्ट नजर आया रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को पता ही नहीं है, जज साहब हैरान हो रहे हैं कि ये मेरे सामने कैसे लग गया जी। तो ये जो कुछ भी नाकामी है ये सुप्रीम कोर्ट की एज एन इंस्टीट्यूशन नाकामी। ठीक। अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो नून लीग के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि इस केस में कोई जान नहीं है, और 17 साल पहले तो क्लोज कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, अभी ओवरऑल सूरत हाल ये है कि वही रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं, तो सर अगर ये बंद हो जाता है तो बेनिफिट फिर नून लीग को मिल जाएगा? ये तो ऑब्वियसली फिलहाल तो ये बंद हुआ है ना,
जी, हाई कोर्ट ने तो इसको बंद कर दिया हुआ है जी। अब ये खोलने की दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट में आई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जी। और सुप्रीम कोर्ट के जिन जज साहिबान ने ज्यादा ये कहा था अब वो ये सुन ही नहीं रहे इसको, वो हट गए हैं इससे। अब कब लगेगा, क्या होगा इसके बारे में, अब क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल ठीक। अच्छा कादिर साहब, चले ये मान लेते हैं कि अगर ये मजीद केस बंद हो जाता है या आगे चलता है, तवील होता है मजीद इसकी समातें तवील होती हैं, ऐसा क्या आप समझते हैं कि जब भी ये केस खुलेगा तो ये तलवार शहबाज शरीफ के ऊपर लाजमी लटकेगी और किसी ना किसी तरह से वो जो है इस केस में नाहल हो सकते हैं? ये बड़ा सीरियस केस है और ये केस जो है ये इतना आसान, जिस आसानी से हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया, ये या तो इसकी कन्विक्शन में एंड होता या एक्विटल में एंड होता, तीसरा कोई तरीका नहीं था। तो लिहाजा ये केस अगर आप दोबारा से चलता है तो ये ऑब्वियसली इसको बड़ा सख्त सामना करना पड़ेगा इन केसेस का। लेकिन इसमें एक जो ड्यू प्रोसेस होता है इसको दोबारा वापस रिवाइव करने में, वो ड्यू प्रोसेस जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अपील फाइल करें और एपिलेट कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें इतने ज्यादा वो इनकंसिस्टेंसी सब के कॉन्डक्ट में पैदा हो गई हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि अब इस केस को किस तरीके से ये चलाएंगे। क्योंकि मुंसिफ जो है अगर वो खुद प्रोसिक्यूशन का रोल अपना ले जी, तो मुंसिफ और प्रोसिक्यूशन अगर इको मिको हो जाए तो फिर उसके बाद आप क्या अंजाम होगा? ठीक है, सही कह रहे हैं सर, आपके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दी है और फिर बहुत ज्यादा जो है इस केस के अंदर कॉम्प्लिकेशन है। मियाँ शरीफ की कंपनी थी जब इसको स्टार्ट किया गया, वहां से लेकर यहाँ तक फिर डेटा निकालना, फिर 17 साल पहले क्या क्या हुआ, किन किन के नाम थे इस केस के अंदर, उनको लेकर आना, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। लेकिन ओवरऑल सर, अगर इन तमाम कॉम्प्लिकेशन के बावजूद भी इस केस को रीओपन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है और आगे ये केस चलता है और केस सामने आता है, तो आपको क्या लगता है कि इस केस का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा? इस केस के फैसले से नून लीग की पूरी क्यादत पे बहुत ज्यादा जो है वो इंपैक्ट पड़ेगा? अगर तो ये ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता तो ये फैसला जल्दी हो सकता था। ठीक, अब क्योंकि अदालतों ने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, ठीक, तो उसका फायदा जो है वो शरीफ फैमिली उठाएगी। अच्छा, शरीफ फैमिली उठाएगी। अच्छा कादिर साहब, हो सकता है पॉसिबिलिटी तो अब यही नजर आ रही है कि ये केसेस जिस तरह से तवील होते चले जा रहे हैं, जितना टाइम ये ले रहे हैं, तो इंतखाबात के बाद ही इनके कोई फैसले आने की तवक्को हम रख सकते हैं। सिचुएशन अभी सारी हमारे सामने है, लेकिन कुछ अरकान ऐसे भी हैं जिनका इसमें नाम है जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं। अगर वो मुल्क से बाहर ही होते हैं तो इस केस की कार्रवाई आगे किस तरह से बढ़ सकती है? जैसे कि सागदार का भी नाम इस सब में है, तो वो तो इस मुल्क में भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में केसेस की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? इसमें जो कोर्सिव प्रोसेस है, लेकिन अभी तो मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो गया ही नहीं, गया ही नहीं, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, गया। जी, 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 पनामा में चूंकि अब वो मामला जो है वो अब चल रहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जी। वो कुछ लोग जैसे हुसैन साहब बाहर हैं, हसन साहब बाहर हैं, तो उनको तो बुलाना पड़ेगा ना जी। तो उनकी फिर एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स भी होंगी इंग्लिस्तान में, और अगर एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स होगी तो वो उन प्रोसीडिंग्स को भी चैलेंज करेंगे और उनका इसी चीज पे सहारा लेंगे कि पाकिस्तान में वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है जी, तो वो काफी डिले हो जाएंगी। ठीक है, चीजें डिले होने वाली हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमसे बातचीत, और ओवरऑल जहां पर हुदैबिया केस के हवाले से बात हो रही थी वहां पर अब यही जो है वो खबरें सामने आ रही है कि ये केस जो है वो प्रोलोंग हो जाएगा, और कितना प्रोलोंग होता है, दोबारा रीओपन होता है नहीं होता है, क्या नून लीग के गले से एक केस निकल गया है या फिर मजीद मुश्किल आने वाली है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप watching Good Morning Aaj। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात करते हैं कराची के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों शुरू होने वाली कराची की सियासत की अब अगली किस्त कब आएगी, इसका सबको इंतजार है, लेकिन गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम की तरफ से तो खामोशी रही, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब चुपना रहे। उन्होंने कहा कि 40 साल से सियासत करने वालों की नींदें हमने हराम कर दी हैं, लेकिन किसी से भी दुश्मनी नहीं करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया, हमारी वजह से लोगों के कॉल ऑफ फेल में तजाद पैदा हो गया है। सरजमीन पार्टी जो कि 1.5 साल पुरानी पार्टी है, उसने 40 साल पुरानी पार्टीज को परेशान कर दिया है, उनकी नींदें हराम कर दी हैं, उनके सुबह दोपहर शाम के कॉल ऑफ फेल में तजाद पैदा कर दिया है। हम अपने सियासी मुखालिफ, अपने मसलक के मुखालिफ, अपने जुबान के मुखालिफ से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते। पीएसपी वालों ने आकर कंफ्यूज कर दिया। मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, इसलिए
कि अगर 35 सालों की जमी हुई गर्द पे 1.5 साल की पार्टी ने कंफ्यूज कर दिया, इसका मतलब है कि अब कंफ्यूज हो गए हो तो कन्वर्ट भी हो गए। ये जो मेरे लेफ्ट राइट पे लोग खड़े हैं, ये भी कभी कंफ्यूज होंगे ना पहले दिन, ये भी कभी कंफ्यूज होंगे। क्या बात है जनाब, जब कंफ्यूज हो गए हैं तो कन्वर्ट भी होंगे। मुस्तफा कमाल ने हफ्ते को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें काफी पुरजोश थे और परवेज मुशर्रफ और एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर तनकीद और तनकीद का निशाना बना रहे थे और साथ ही मीडिया वालों को ये भी कहा कि जो सवाल पूछना है पूछो, लेकिन गुज़िश्ता रोज ऐसा देखने को नहीं मिला। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मुतअद्दिद सवाल का जवाब नहीं दिया सिवाय दो जवाब के। यार मैं मुशर्रफ साहब की बात पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, मैं वालदा के ऊपर भी कमेंट नहीं करना चाहूँ, मैं उसको कमेंट नहीं करूँगा। ये वाली बात भी मैं बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहूँगा, तो अभी तो लोगों को जो समझना है समझने दो, जब बात होगी करने वाली तो कर लेंगे। यार किसी ऐसे आदमी का नाम लो जिसका मैं जवाब भी दे सकूँ, मैंने जो हमने मेरा लेवल नहीं है, नहीं होगी हमको बात। खुश रहें अपने खर्चे पर। मुस्तफा कमाल ने तो सवालों के जवाब बोल कर दिए, लेकिन मंजूर वसान ने एक बार फिर नए नए ख्वाब देख लिए हैं। वो कहते हैं कि जल्दबाजी में शादी हुई इसलिए तलाक हो गई, लेकिन जल्द हलाला भी हो जाएगा। उन्होंने पेशगोई करते हुए कहा है कि एमकेएम पाकिस्तान, लंदन और पीएसपी एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। 6 माह पहले हमने मंगनी की बात की थी, फिर हमें उस दिन उसने शादी की हमने करा दी, रात में सब भाई हो गए। लेकिन जल्दी इससे भी जब रिश्ता होता है, शादी होता है तो कुछ तो टाइम होता है, तलाक भी जल्दी हो गई। अब हो सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि दोबारा वो हलाल वाली बात है ना, हलाला हो जाए, हलाल से हलाला हो जाए। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अहमद साहब, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। आपसे ओवरऑल कराची की ये जो सियासत में हलचल हुई है, कभी कहते हैं साथ है, कभी कहते हैं जुदा है क्या सूरत हाल, थोड़ा सा आप ही वाजे कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाजिरों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं कि ये शादी का बहुत चर्चा है इस वक्त एमकेएम और पीएसपी की। जब शादियां जबरदस्ती करवाई जाएं तो उसका अंजाम जो होता है कि चंद घंटों में वो टूट जाती हैं, क्योंकि मियां बीवी का राजी होना बहुत जरूरी होता है शादी के लिए, और ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और ये सबको पता है। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल एमकेएम की ख्वाहिश है, थी और रहेगी कि कराची में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिल बांट कर अपना यहाँ पर हिस्सा डालें, और बिल्कुल एमकेएम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें हमारे तमाम लोग प्रेस क्लब गए थे। प्रेस क्लब जाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते थे, लेकिन दूसरी जानब मुस्तफ़ा कमाल की चरम जबानी की वजह से मामला ख़राब हो गए और उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया मिल बैठ कर इत्तेहाद बनाकर आगे चलने का। उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि एमकेएम को दफन कर देंगे और एमकेएम को नामो निशान ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल में कराची के लोगों ने, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर के लोगों ने हमेशा एमकेएम को वोट दिया है, पतंग को वोट दिया है, ये उनकी इज्जत का सवाल है। और वैसे भी इस नाम के लिए एमकेएम के हजारों कारकुन शहीद हुए, जेलों में गए और इस वक्त भी परेशानियां काट रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो तरीकेकार है सियासी जमातों को डील करने का, वो बहुत निगेटिव और गलत है। अच्छा, उसकी वजह से इदारे भी बदनामी का बाज़ बनते हैं। मेरे ख्याल में मस्नूई क़यादत कभी भी किसी के ऊपर मुसल्लत की जाए, और इसकी हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो ऐसी क़यादतों को बार बार पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट किया। अच्छा सर, अगर देखा जाए और बात की जाए तो अभी आपने कहा जबरदस्ती शादी कराई गई तो अंजाम यही होता फिर, तो अगर आप लोगों ने एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए थे, राहें जुदा हो गई थी, इतनी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक सत्तार ने की, मुस्तफा कमाल के खिलाफ भी बोले, मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार के खिलाफ भी बोले, लेकिन आखिर में दोनों ने यही कहा कि नहीं फिर भी हम एक साथ मिल के बैठना चाहते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जी अगर वो हमारे साथ मिले, कोई कोलिशन बन जाए, इत्तेहाद बन जाए, तो जब शादी टूट गई तो फिर इत्तेहाद कैसा? सर कौन सी मजबूरी है कि टूटने के बाद भी इत्तेहाद आप दोनों को ही करना है? बिल्कुल, फारूक भाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में बोला था कि बिल्कुल हम, क्योंकि सियासी जमातों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले होते हैं, कभी भी मना नहीं है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि समंदर कूजे में जम हो जाए,
यानी कि एमकेएम पीएसपी में एग्जाम हो जाए, ऐसा कभी भी कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोशिश यही की गई कि समंदर को कूजे में बंद कर दें, यानी एमकेएम को पीएसपी में एग्जाम कर दें। बिल्कुल ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही हमारे प्लान का हिस्सा है ये। कोई 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 अगर किसी के जहन में ये गुमा हो, ख्याल हो कि इस तरह से कुछ हो जाए और थर्ड क्यादत ला के इनके ऊपर मुसलत कर दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि कराची के लोग जीते जागते एमकेएम के वोटर सपोर्टर इंसान हैं, वो बाशहूर लोग हैं, कराची के पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है, कराची के लोगों को, उर्दू बोलने वालों को अच्छी तरह अंदाजा है कि कौन सी कुवतें, कौन सी ताकतें। लेकिन अभी आवाम बड़ी कंफ्यूज हो गई है ये तमाम तर सिचुएशन देखने के बाद, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है कराची की सियासत में। एक दिन कुछ कहा जाता है, दूसरे दिन कोई और कहानी होती है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि मंजूर वसान साहब ने तो एक और पेशगोई कर दी है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि इलेक्शन से पहले एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी तीनों मिल जाएंगे और तीनों एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची की आवाम? मेरे ख्याल में मंजूर वसा को चाहिए कि सबसे पहले अपनी पार्टी का हाल देख लें, जो उनका हाल सिंध के अंदर हुआ है, पूरे पाकिस्तान से सुकड़ कर उनकी पार्टी इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई है। अगर इतने ही इन्हें अलाम और ख्वाब नाजिल होते हैं तो इनको सबसे पहले अपनी पार्टी के हवाले से डॉक्टर आसिम पकड़े गए, उससे पहले मेरे ख्याल में उनको ख्वाब देख लेना चाहिए था। शर्जील मेमन पकड़ा गया अरबों खरबों की करप्शन करने के बाद, उससे पहले इनको ख्वाब देख लेना चाहिए था, उससे आगाह कर देना चाहिए था। अच्छा, तो इनके लोग मुसीबत में नहीं है। अच्छा साजिद साहब, बिल्कुल ओवरऑल अगर बात की जाए मुस्तफा कमाल के हवाले से, तो वो कहते हैं जी एमकेएम पाकिस्तान जो है वही एमकेएम लंदन है और हम तो इस पार्टी को मानते नहीं है, और आप ये कहते हैं कि डेफिनेटली इस पार्टी के लिए शोहदा है और इतनी ज्यादा आप लोगों की कुर्बानियां हैं तो आप एमकेएम पाकिस्तान को एक ब्रांड के तौर पर आगे लेके चलेंगे, तो सर फिर इतना बखेड़ा खड़ा ही क्यों हुआ? आपके जो फारूक सत्तार साहब हैं, आपके रहनुमा हैं, आपके सरबरा हैं, उन्होंने क्या पार्टी के तमाम लोगों को एतमाद में नहीं लिया? जबकि पार्टी के कुछ लोग उस मीटिंग में भी शामिल होते थे, 16 घंटे वाली मीटिंग में भी बहुत सारे लोग शामिल थे, तो फिर ये कंफ्यूजन हुई कहां से? क्योंकि मुस्तफा कमाल तो ये बार बार ही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने तो कभी यही कहा नहीं कि हम एमकेएम पाकिस्तान के जेरे साए जो है वो आगे जम होने जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल बिगड़ी कहां पे? मुस्तफा कमाल दो तीन बातें कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जो मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने खुद कहा कि जो एमकेएम पाकिस्तान को मोहतरम जनरल बिलाल अकबर साहब ने बनाया है, जी बिल्कुल उनके कमरे में बनी, एमकेएम पाकिस्तान को बकौल मुस्तफा कमाल बिल्कुल उनके जनरल एस्टैब्लिशमेंट की जमात हो गई एमकेएम पाकिस्तान, तो फिर एमकेएम पाकिस्तान से लंदन से रब्ता कैसे हो सकता है? आप लंदन से बिल्कुल क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा सवाल मुस्तफा कमाल से ही है। फिर मुस्तफा कमाल जी भी कहते हैं कि एमकेएम के 70 कारकुनान को मैंने छुड़वाया है इदारों से, रेंजर्स से, जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया था। इसका मतलब ये हो गया कि लाडले और प्यारे उनके आप हैं, हम नहीं हैं। गुज़श्ता एक सवा साल से एमकेएम तो चला रही है। इसके ऊपर भी बिल्कुल बातचीत कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर भी बिल्कुल बातचीत कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आपकी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं कि मुस्तफा कमाल ने इससे पहले और बाद में क्या कहा फारूक सत्तार ने। लागू होता है इस सिचुएशन पर कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, और दूसरे शेर में फिर काम होता है बारी, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। तो ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ। पीएसपी के साथ जो सियासी इत्तेहाद हुआ हमारी तरफ से वो कायम है, हम अमन के दवाम के लिए, अम के इस्तेकाम के लिए, अमन की पायदारी के लिए, तशद्दुद अदम तसादुम की पॉलिसी को कामयाब करने के लिए इस सियासी अलायंस को जरूरत पड़ी तो इंतखाबी अलायंस में भी तब्दील। तो जनाब आपने सुना कि फारूक सत्तार सब पर क्या बोल रहे थे? इस वक्त हमारे साथ साजिद अहमद साहब भी लाइन पर मौजूद है। साजिद साहब, मेरा ख्याल है आपने भी सुन लिया होगा कि उनके बयानात में कितना तजाद है, और हमें तो वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि अब इस इत्तेहाद की क्या हैसियत रह गई है। पहले कह रहे थे एक मंशूर पर, एक इंतखाबी निशान पर वोट लड़ेंगे, अब अगर ये सब नहीं हो रहा और आपस में बयानबाजी भी मुखालिफ तरफ से आ रही है, तो फिर ये इत्तेहाद कहाँ स्टैंड करता है? किस किस्म के इत्तेहाद की बात हो रही है? ये बिल्कुल, ये हम जो उस दिन जो एमकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुस्तफा कमाल के साथ मिलकर, हमारी ये बिल्कुल फारूक भाई का पॉजिटिव साइन था, ये पॉजिटिव स्टैंड था ये कि बिल्कुल कराची में ख्वा एमकेएम हकीकी हो, महाजनता तहरीक हो, पीएसपी हो, इन सब से हमारी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए मुख्तलिफ हवालों से।
जो जो उर्दू बोलने वालों के हवाले से, तो इसी प्लानिंग के तहत हमने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी, फिर दीगर जमातों के साथ भी। हमें मिलना था सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, लेकिन सेकंड डे जो फारूक भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने घर के पास, मेरे ख्याल में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर गरीबों को सियासत करने का मेरे ख्याल में हक नहीं है, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को, क्योंकि डिक्टेट किया जाता है यहाँ पर कि आप ऐसा करो ऐसा ना करें। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से फारूक भाई ने उस दिन ये भी कहा कि हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं लेकिन हमारे रास्ते हमारे रास्तों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, हमें काम करने की इजाजत एनकम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नहीं है। अच्छा, ये सबको पता है कि एनकम पाकिस्तान कराची की स्टेक होल्डर है, 80% स्टेक यहाँ का रखती है कराची का, लोग कॉपरेट करते हैं, मेयर इनका है, MNA, MPs, इनके सब कुछ है, पूरा सिस्टम। साजिद साहब, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि आप दोनों जमातें ये चाह रहे थे कि वर्किंग रिलेशनशिप आगे बढ़े और कराची की तरक्की के लिए कुछ हो, जिस वजह से जो है ये सारा मसला है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उन्होंने की फारूक सत्तार के बाद, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, आप कितने मुत्तफिक हैं उनकी बातों से, क्योंकि वो कहते हैं आप बिठा लें, सारे मौजूद थे। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को खुद बैठना चाहिए। अच्छा, उस दिन मुस्तफ़ा कमाल ने भी जो इदारों के हवाले से अल्फाज अदा किए, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है जी। फोर्सेस का काम, एस्टेब्लिशमेंट का काम कुछ और है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ना कि सियासी जमातों को बिठाना, लीडर बनाना, जबरदस्ती किसी को, ये काम नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। लेकिन उस दिन मुस्तफ़ा कमाल, मेरे ख्याल में उन्होंने हद और बाउंड्री को क्रॉस किया है और उनको इस तरह से मोहतरम इदारों का नाम नहीं लेना चाहिए था कि वो हमें बिठाएं। तो अगर वो बिठाएंगे तो फिर सियासी जमातें कहाँ जाएंगी, उनकी अपनी पॉलिसी, उनका अपना जो मियार है, स्टेटस है, वो कहाँ जाएगा अगर कोई दूसरा उनको बिठाएगा, कोई दूसरा ब्रेक करेगा। मेरे ख्याल में फारूक भाई ने जो स्टैंड लिया उस दिन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था जो अपने घर पे उन्होंने की लास्ट सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यही फारूक भाई का मतलब मकसद था कि महाजर वोट की तस्दील की उस दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इसी वोट की बुनियाद पर ये मेयर कराची बने। अच्छा, सारी सिचुएशन तो हमने देखी है साजिद साहब, और आवाम जान चुकी है कि ओवरऑल अब एमकेएम का जो है वो स्टांस क्या है सब चीज़ों के ऊपर, और मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वो अपनी तमाम कॉन्फ्रेंसेज में इस बात को बहुत वाजे कर चुके हैं जो उनकी पार्टी की जानिब से सिचुएशन है। लेकिन एट दी एंड दोनों पार्टीज ने यही कहा है कि हम अभी भी साथ खड़े हैं, हम कराची के लिए साथ मिलकर काम करने को तो तैयार है। अभी आगे इंतखाबात आने वाले हैं, साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस जगह पर देख अपनी पार्टी को आगे 2018 के इलेक्शंस के अंदर। देखिए, गुज़श्ता एक साल यानी कि 22 के बाद जब पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा था, यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा और एक पूरी टीम ने अपने कयादत कायद से ताल्लुक का इजहार कर लिया। ठीक। इस एक साल के दौरान एमकेएम ने 3 बड़े प्रोग्राम किए, नश्तर पार्क का जिसमें लोगों का जमीन गफीर था, फिर लियाकताबाद से पैद अजम के मजार तक रैली हजूम था, गुज़श्ता 5 तारीख को भी लियाकताबाद से जो मुजाहरा किया सेंसस के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से, उस पर भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे ख्याल में जब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे हमारा साथ दे रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो लोग जो कि पाकिस्तान को कुव्वतें कंट्रोल कर रही हैं, उनको भी फिर हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें, ताकि हम आगे बढ़ के तामीर तरक्की का काम कर सकें, क्योंकि इस तरह से करने से चीजें खराब होंगी, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की खराब होगी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स हो जाएगी कहलाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल एक शॉर्टली आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको भी बड़े इख्तलाफात हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी से, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी आपकी पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, वो कहती है जी आइंदा आने वाले सालों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब होने क्या जा रहा है, आप दोनों जमातें बिल्कुल इत्तेहाद कायम करेंगी गो के इतने इख्तलाफात हैं आपके, या फिर आप दोनों जमातें अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगी, वो अपने मैंडेट के साथ आप अपने मैंडेट के साथ? सबको अपने अपने मैंडेट का खुद ही ख्याल करना होगा और हम बिल्कुल और हम किसी से इत्तेहाद अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सीटों पर बिल्कुल इत्तेहाद अलायंस हो सकता है। अच्छा। लेकिन पूरे कराची में, क्योंकि लोगों ने एमकेएम को वोट दिया है, इंतखाबी निशान को जानते हैं, पतंग को जानते हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हमारा वोट बैंक अपनी जगह कायम है, तमाम प्रोपगंडे वक्त के साथ साथ खत्म। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ थे और ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बातचीत कर रहे थे। अभी तो उनका यही कहना है कि अपने अपने
अपडेट के साथ जो है वो हम आगे इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस आएंगे और मेरे ख्याल है सारी सिचुएशन ओवरऑल क्लियर होना शुरू हो जाएगी, पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो इलेक्शन से पहले बड़ी जोरों शोर से बढ़ना शुरू होता है। और अभी भी ये मार्जिन जो दिया जा रहा है उनके खिताब के आखिर में कि नहीं नहीं अभी भी हम साथ चलने को तैयार हैं, तो ये कुछ और ही दिखा रही है। और जो जो इस हवाले से पेशगोई की जा रही है कि ये पार्टीज हो सकता है इलेक्शन से पहले इकट्ठी हो जाए, तो मेरा ख्याल है सूरत हाल मजीद जो है कुछ दिनों तक वाजे भी हो जाएगी। इसी के साथ जनाब यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब जनाब कुछ बात हो जाए खेल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और मुल्क में आने वाली खुशियों के हवाले से, जो कि है पीएसएल से रिलेटेड, जिसकी ड्राफ्टिंग की शानदार तकरीब कल हुई और हमने देखा कि कितने फेवरेट जो खिलाड़ी थे उनको टीम्स ने उठाया। और इस दफ़ा एक एंट्री हुई है मुल्तान सुल्तान की, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर क्रिकेट के क्रिटिक ने, सीनियर जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा इकबाल साहब, यही जानना चाहेंगे आपसे कि ओवरऑल पीएसएल होने जा रहा है और इंतहाई एक दफा फिर से हम देख रहे हैं कि कौम में जज्बा है, ड्राफ्टिंग भी हुई, ये बताइए मुल्तान सुल्तान की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? मुल्तान सुल्तान नई टीम है और शोएब मलिक को इन्होंने कप्तान रखा है, उनका स्टाफ बड़ा जबरदस्त है, वसीम अकरम डायरेक्टर है मुल्तान सुल्तान के, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट बैट्समैन टॉम मूडी है, फिर मोहम्मद वसीम को इन्होंने रखा है अपने साथ। तो अब देखते हैं, मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन तो मुझे अच्छा नजर आता है जो उन्होंने पिक किया, उनको ये एडवांटेज था क्योंकि नई टीम थी, छठी टीम थी, तो उन्हें ये एडवांटेज था कि 9 प्लेयर्स उन्होंने पहले जो बच गए थे वो ले लिए थे, फिर उसके बाद उन्होंने किया। तो अब देखते हैं मुल्तान सुल्तान किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब होती है, लेकिन तवक्को यही है कि छठी टीम की शमूलियत से यकीनन पीएसएल में एक मजीद जो चार्म जो है वो मजीद पैदा होगा, एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अच्छा ये बताएगा मिर्जा साहब के लास्ट जो पीएसएल हुआ था, पीएसएल 2 में हमने देखा कि लाहौर कैलेंडर्स की परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उनसे निशाना भी बनाया गया था लाहौर कैलेंडर्स की टीम को। इस बार जो ड्राफ्टिंग की गई है आप क्या समझते हैं? कहा तो यही जा रहा है, जो नजम सेठी साहब है उनकी तरफ से भी ये कहना है और दीगर लोगों की जानब से भी ये कहना है कि अब लाहौर कैलेंडर्स की टीम जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा प्लेयर है जो इस टीम को वाकई में ऊपर ला सकता है और प्रॉपर तरीके से जो है वो कम बैक कर सकेगी? जी, लाहौर कलंदर ने काम तो किया है गुज़िश्ता 2 बरस में, अगरचे वो टीम पीएसएल में शरीक टीमों में 5वें और आखिरी नंबर पर रही है, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है, उन्होंने जो ट्रायल कंडक्ट किए पूरे पंजाब में, जो उनका मैंडेट है कि वो पंजाब से बाहर नहीं जा सकते, उन्होंने आजाद कश्मीर में ट्रायल कंडक्ट किए। अब आप देखें लाहौर कलंदर का एक लड़का मोहम्मद इरफान दूसरी टीम ने लिया है जो गुज़िश्ता बरस सामने आया था, तो टैलेंट तो उन्होंने प्रोड्यूस किया, ये उनकी बदकिस्मती है, पहले सीजन में अजहर अली उनके कप्तान थे, उस तरह से क्लिक नहीं कर सके, दूसरे सीजन में ब्रेंडन मैकेलम को लाए, बड़े अच्छे वो न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन टीम क्लिक नहीं कर पाई। तो इस दफा तवक्को ये की जा रही है कि लाहौर कलंदर माजी की गलतियों से सीखने की कोशिश करेगी और इस मरतबा वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके मालिक का यही कहना है कि हार जीत से कतई नजर वो ये चाहते हैं कि लाहौर की क्रिकेट को नया टैलेंट दिया जाए और अब देखते हैं इस साल वो किस हद तक कामयाब होते हैं। अच्छा ओवरऑल अगर बात की जाए टीम्स कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो फातेह टीम की बात करते हैं, पेशावर जलमी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है इस दफा जो जावेद आफरीदी है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो इस दफा भी मैदान मार लें और अगेन वो ही विनर हो? उनका कुछ कॉम्बिनेशन इस दफा आगे पीछे है, आफरीदी कराची किंग्स में चले गए हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, शायद आफरीदी के जाने से खासा फर्क पड़ेगा, कुमार संगकारा जो थे वो तो कराची की टीम में थे, लेकिन इनकी टीम कुमार संगकारा मुल्तान में चले गए, लेकिन पेशावर जलमी का कप्तान डैरन सैमी है, वेस्टइंडीज का जो साबिक कप्तान रहा है, वेस्टइंडीज उनकी कप्तानी में जो है वर्ल्ड T20 2 मरतबा जीतने में कामयाब हुआ है डैरन सैमी की, 2012 और 2016 में। तो पेशावर जलमी को शाहिद आफरीदी के जाने से झटका तो लगा है, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास को अपना पेशावर जलमी का सदर मुकर्रर किया है, कल वो भी वहां मौजूद थे, तो देखते हैं प्रेशर होगा। इस मरतबा मैं ये समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन जिस तरह का टीमों का है, सख्त और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे, किसी टीम को आप फेवरेट नहीं कह सकते कि ये टीम जो है बस ये जीत कर ही निकलेगी, क्योंकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है
मैचेस आपस में एक दूसरे से खेलेंगे, तो इस मरतबा सख्त मुकाबलों की तवक्को है। अब लोग इस बात के मुंतजर हैं कि पाकिस्तान में कब पीएसएल के मुकाबले मुनक्किद। कराची में भी जो है वो अब इसका फाइनल करने की कमिटमेंट की गई है, तो होपफुली हो सकता है कि इस बार कराची में जो है इसका फाइनल हो जाए। एनीवे, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, बहुत से मुख्तलिफ जो हमने देखा है कि कंट्रीज के बड़े बड़े प्लेयर्स इस बार आ रहे हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से अगर आपसे जानना चाहूँ तो कैसा लगता है इस बार टीम किस तरह की आ रही है? जी हाँ, यकीनन ऑस्ट्रेलिया का मिचेल जॉनसन, वेस्ट इंडीज का कार्लोस ब्रैथवेट जिसने 2016 का वर्ल्ड टी20 वेस्ट इंडीज को जितवाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर क्रिस लिन, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं कि जो आएंगे और पाकिस्तान में अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली ल्यूक राइट जो इंग्लैंड का, तो पाकिस्तान में यकीनन लोगों को ये इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज है, लेकिन ये इंप्रेशन उसी सूरत में जा सकता है जब पीएसएल के मैचेस लाहौर से निकलकर पाकिस्तान के दीगर शहरों में, बैन अल-अक़वामी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि लाहौर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो मुनक्किद हो सकती है। अब देखते हैं नजम सेठी साहब अपने इस दावे में किस हद तक कामयाब होते हैं। 1.5 अरब रुपए की रेनोवेशन हो रही है नेशनल स्टेडियम का, बिल्कुल मुकम्मल हो जाए वक्त से पहले। जी बिल्कुल, जरूरत नजर नहीं आ रही थी कराची में, हमने देखा कि ज्यादातर सिर्फ पवेलियन का ही काम होने वाला था, ग्राउंड वगैरह तो ठीक थे, इतनी ज्यादा जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, बड़े इस पे भी सवाल उठ रहे हैं अभी। बिल्कुल आपने सही कहा, इतने पैसों में तो 1.5 अरब रुपए में नया क्रिकेट स्टेडियम बन जाता। ठीक, अच्छा ओवरऑल अगर बात की जाए, चलें जी क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, पीएसएल आ रहा है, मुल्क में खुशियां आ रही हैं, लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन इसका मकसद ये भी होता है कि हमें नया टैलेंट मिले। इस दफा क्या लगता है मिर्जा साहब कि नया टैलेंट हमें इस दफा मिल जाएगा और अच्छा टैलेंट मिलेगा? उम्मीद तो है, देखिए पीएसएल से कुछ तो हमें टैलेंट मिला, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, आप देखें रुमान रईस को अपनी सलाहियतों के निखार का मौका मिला, पाकिस्तान टीम में आए, शादाब खान जो थे वो पाकिस्तान टीम में आए, फखर जमान पाकिस्तान टीम में आए, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, हसन अली आपको पीएसएल से मिले, तो पीएसएल से टैलेंट मिलेगा और तवक्को है कि इस मरतबा और बेहतर टैलेंट देखने को मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि मैचेस अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी शायकी में क्रिकेट के सामने मुनक्किद होते तो उससे खिलाड़ियों को बड़ा बूस्ट मिलेगा और नया टैलेंट जो है वो होम ग्राउंड पे ही होने चाहिए और वलवले के साथ परफॉर्म करेगा। सब ये क्या वजह है कि हम सिर्फ फाइनल ही पाकिस्तान में करा रहे और उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं कि लाहौर में कराना है कि कराची में कराना है, पूरा पीएसएल पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमारी आवाम को इस तरह के इवेंट बड़ी जरूरत है उनकी। बिल्कुल हो सकता है, जब आप प्लेयर्स को हजारों डॉलर्स देंगे गैर मुल्की प्लेयर्स को और आप उन्हें सिक्योरिटी की जमानत देंगे तो कोई वजह नहीं है कि पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान के दीगर शहरों में और पूरे पाकिस्तान में हो, फिर हम मुत्तहिद अरब अमारात जाने के बजाय इधर ही तवज्जो दे, लेकिन लगता ही है कि पीसीबी के ऑफिशियल्स को ज्यादा पसंद है मुत्तहिद अरब अमारात, फैमिली के साथ जाते हैं, मौसम की तब्दीली, 6-7 स्टार होटल में ठहरते हैं, तो शायद इसलिए नहीं, लेकिन मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह अगर इस मरतबा जरूर पीएसएल के बेशतर मैचेस पाकिस्तान में मुनक्किद। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, हमसे बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, कल जो ड्राफ्टिंग हुई उससे बात कर रहे थे, स्टार्स का झुरमट जो है वो अब नजर आने वाला है, पीएसएल के मैचेस शुरू हो जाएंगे और जब पीएसएल के मैचेस जो है वो शुरू होते हैं तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान ही झूमता है और सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम्स होती है और मजे की बात यह है कि पीएसएल का मैच विनर कोई भी हो लेकिन जीत पाकिस्तान की होती है। डेफिनेटली बड़ी अच्छी और खुश आयन खबर है ये। इस वक्त हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अदाकार कवि खान जो है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, आज उनका बर्थडे भी है, 75th बर्थडे वो मना रहे हैं। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी और सबा की तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी इनायत, बड़ी मोहब्बत आप सबकी, आज सुबह से मुझे कॉल आ रही है जी। हमारे जमाने में हमारे बचपन में ये बर्थडे वगैरह का रिवाज तो था नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब सर आप असासा है हमारे मुल्क का। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं वो तो हम सब असासा जी जी, एक एक छोटा बड़ा कोई भी है वो असासा ही है जी। मैं जरा थोड़ा सा, लेकिन मुझे खुशी बात है बड़ी हुई है और लोग याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं और आप सबका और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, आज क्या करने वाले हैं आप पूरा दिन ओवरऑल? इस वक्त मैं आर्टिस्टों की खिदमत कर रहा हूँ, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ और अभी